प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए आज अष्टमी पर उज्जैन कलेक्टर द्वारा जो 24 खंबा माता मंदिर है यहाँ पर दो महामाया और महालाया माता को मदिरा की धार चढ़ाई गई और विशेष पूजन अभिषेक किया गया। यहाँ से मदिरा की धार चढ़ाने के बाद और पूजा करने के बाद पूरे नगर में करीब 27 किलोमीटर तक की मदिरा की धार लगती है, जो कि शहर के कई मंदिरों में मदिरा का भोग लगता है और जो यहाँ पर जो प्रसाद बनाया जाता है वह उस प्रसाद का भोग लगाया जाता है। इस पूरी पूजा का उद्देश्य यह है कि पूरे शहर में शांति बनी रहे और किसी भी प्रकार की विपदा ना आए। परंपरा के रूप में ये पूजन हमेशा से होती आ रही है। शहर की बेहतरी के लिए, ज़िले की बेहतरी के लिए ये पूजन किया जाता है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई विपदा यहाँ के वासियों पर ना पड़े। लगभग 27 किलोमीटर की ये एक धार लगाई जाती है मदिरा की माता जी को, और राजाओं के समय से ये परंपरा कायम है और इसी तरह हर वर्ष इस प्रकार ये पूजन किया जाता है। जी, मदिरा चढ़ाई जाती है और मदिरा लगभग 27 किलोमीटर चढ़ाई जाती है, गढ़ कालिका जी की मंदिर में जाके ये ख़त्म होती है। जी, हाँ, यहाँ पर सबसे पहले मदिरा का धार लगाया जाता है, उसके बाद सभी मदिरा का ग्रहण करते हैं। आज के दिन कलेक्टर पूजा करता है। आपने प्रसाद दिया है? हाँ, मैंने मदिरा का धाल दिया है। ठीक है। Thank you.